हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और ये हमारे देश के पुलिस वाले जो क्रिमिनल के नहीं मासूम गरीबों के पेट पर लात मारते हैं। पर जब पंजाब के एक ऑफिसर ने ये हरकत की तो डीजीपी दिनकर गुप्ता ने ऑफिसर को फॉरन ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया ताकि दोबारा कोई ऐसा ना कर सके। किंतु सिर्फ पुलिस ही नहीं, आज आपका परिचय इन गवर्नमेंट रजिस्ट्रार से भी करवाना है जिन्होंने एक बार 15,000 की घूस लेने की कमिटमेंट कर दी, तो फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनते। लेकिन हमारा देश सिर्फ इन महापुरुषों से नहीं बल्कि कुछ महामहिला से भी भरा है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज स्टाफ काम करती है और पेशेंट को दी जाने वाली फ्री रिपोर्ट्स की बजाय उनसे कुछ ऐसे पैसे लेकर उन्हें हैंड टू हैंड रिपोर्ट बनाकर देने का प्रॉमिस भी करती है। वेल, इनके प्रॉमिस और इनका अब क्या हाल है ये बताने के साथ ही ऐसे और कई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का कच्चा चिट्ठा लेकर मैं आया हूँ हमारे आज के वीडियो में। देखिए सरकारी कर्मचारी आजकल क्या कर रहे हैं। डिस्क्लेमर। फैक्ट भाई अपने व्यूअर्स को वीडियो शुरू होने से पहले ही ये बता देना चाहता है कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ मैले नहीं होते, पर जिनके होते हैं उनका सच छुपाए नहीं छुपता। और ऐसे ही झूठे मक्कार ऑफिसर्स की पोल खोलने के लिए कैमरे में कैद इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स का सच हम आज जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट केस। नंबर 1, पुलिस के नाम पर धब्बा। पहली नजर में ये वीडियो देखकर आपको लगेगा कि केरला का एक आम पुलिस वाला सड़क के किनारे खड़ा है, लेकिन फिर आपको नजर आएगा इस पुलिस वाले का घिनौना सा जो जानबूझकर सड़क के किनारे औरतों को गलत तरह से छूने के लिए खड़ा है। और इस पुलिस वाले की इंसानियत इतनी नीचे गिर चुकी है कि इसने वहां से गुजरने वाली स्कूल की बच्चियों तक को नहीं छोड़ा है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए, पुलिस का काम आम जनता की रक्षा करना होता है, लेकिन जब रक्षक की करतूत ही ऐसी घिनौनी हो तो जनता अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएगी। और जब ऐसी घिनौनी हरकत करने के बावजूद पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें सजा नहीं मिलती, तो ऐसे पुलिस वाले कानून को अपने हाथ की कठपुतली समझ लेते हैं। जैसे हमीरपुर का श्यामलाल नामक ये पुलिस वाला जिसे खुद पुलिस वाले पकड़कर थाने में कैद करने लेकर जा रहे हैं। असल में ये पुलिस ऑफिसर एक गरीब रिक्शा वाले के घर जाकर उसकी बीवी और बेटी को अपने सामने खड़ा करके शराब पीता था, पर एक दिन अपनी घुटती हुई जिंदगी से तंग आकर रिक्शे वाले की बीवी ने पुलिस में कंप्लेंट करने की हिम्मत की, जिसके बाद पुलिस वालों ने आकर सिर्फ इस पुलिस वाले को गिरफ्तारी नहीं किया पर हमीरपुर के एसपी एसके सिंह ने पुलिस के नाम मिट्टी में मिलाने वाले इस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। पर क्या ऐसे लोगों को सिर्फ सस्पेंड कर देना ही काफी है? नंबर 2, नेकी क्यों कर। अपने दिल जिगर कलेजे पर जोर डालिए और ये बताइए कि क्या नेकी करने से किसी का भला हुआ है? हाँ, क्या बात कर रहे हो। अगर ऐसा होता तो लखनऊ नगर निगम के ये कर्मचारी गरीबों में बांटे जाने वाले कंबल को लेकर मौके वारदात से फरार थोड़ी होते। पर भैया इनकी भी क्या ही गलती, जब चोरी का मौका बुलाए तो कैसे रहा जाए, है ना। तभी तो कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जिन्होंने सर्दी में खुद गरीबों को कंबल बांटने का ऐलान किया और कुछ कंबल बांटे भी, लेकिन जैसे ही वो किसी और काम के लिए वहां से निकले वहां मौजूद एम्प्लॉइज ने भी सारे कंबल बांधे और गरीबों को ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया। पर जाते जाते इनकी ये हरकत खुशकिस्मती से कैमरे में कैद हो गई। नंबर 3, हमका पीनी है। फिर चाहे हम ड्यूटी पर लुढ़कते ढुड़कते रहें या गटर में ही क्यों ना गिर जाएं। और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारे देश में इन दोनों तरह के पुलिस वाले मौजूद हैं। मेरा मतलब पुलिस की ड्यूटी पर सबसे जरूरी होता है चौकन्ना रहना, लेकिन ये देखिए ऑन ड्यूटी इस पुलिस वाले का हाल बेहाल। भाई साहब से पीके हो क्या पूछे जाने पर मना ही करने के बाद इनके सीनियर ने बस इनसे 2-4 ड्रिल्स करवा लिए और सच्चा जवाब इनके बिना बोले ही पूरे डिपार्टमेंट के सामने पड़ा था। इसके बाद इनके सीनियर्स ने इनका जो भी हाल किया हो, पर अब मैं आपको पीने की बीमारी से सस्पेंशन पाने वाले उस ऑफिसर से मिलवाता हूँ जिसे हरियाणा के रोहतक जिले के एक गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की रक्षा के लिए रखा गया था, लेकिन नशे की तलब के चलते मूर्ति की रक्षा के लिए आए ये ऑफिसर एक दिन लोगों को गटर में किसी बेवड़े के साथ मिल गए और फिर होना गया था। गाँव वालों ने पहले इनकी क्लास लगाई और फिर इनके सस्पेंशन की गुजारिश की, जिसे बिना देरी वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने स्वीकार कर लिया। पर सिर्फ मेल ऑफिसर्स ही नहीं, फीमेल ऑफिसर्स भी पीने और सस्पेंड होने में किसी से पीछे नहीं रहती। नंबर 4, अस्पताल में बवाल। ये महिला तो आपको याद ही होगी जिन्हें कुछ देर पहले ही हमने हरी भरी पत्ती को एक हाथ से लेकर हैंड टू हैंड रिपोर्ट बनाकर देने की बात करते हुए सुना था। पर इनकी पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घूस लेती हुई रूपा यूपी के हॉस्पिटल में एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में काम करती थी और जब ये वीडियो लिया गया तब भी शायद वो रोज की ही तरह चाय पानी के खर्चे का बंदोबस्त कर रही थी, लेकिन इस बार मरीज के परिवार से पैसे लेते हुए और रिपोर्ट देने का प्रॉमिस करते हुए कैमरे में इनकी रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। ये इनको पता नहीं था, पर ये ज्यादा दिन तक
इससे अनजान नहीं रह पाए। रिकॉर्डेड वीडियो की सबसे पहली खबर इन्हें उसके वायरल होने के बाद चली और दूसरी जब हॉस्पिटल के हेड ने मिलकर इन्हें इनकी पोस्ट से टाटा बाय बाय कर दिया। और ये तो होना ही था क्योंकि एक हॉस्पिटल में दिन में 1000 मरीज आते हैं। रूपा अगर सबसे 100-100 भी लेती तो इनका महीने का लाखों का गड़बड़ घोटाला तो फिक्स ही था, है ना। नंबर 5, परफेक्ट क्राइम। सोच रहे हो ना, एक बेचारे को 4 लोग पकड़कर उसके साथ ये कैसी दादागिरी कर रहे हैं। पर ये कोई दादागिरी का केस नहीं है, रिश्वत के सबूत पाने का केस है। क्योंकि जयपुर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के इन श्री 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 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बाबू ने पहले तो प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और रिपेयर जैसे काम का बिल पास करने के लिए ठेकेदारों से भर भर के रिश्वत ली। और फिर जब एक ठेकेदार ने इनकी एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की और वो इन्हें विदाउट बैंड बाजा पुलिस स्टेशन वाली ससुराल ले जाने आए तो इन्होंने अपने रिश्वत की हिसाब वाली पर्ची को निगल लिया। लेकिन इनको ससुराल पहुंचाने वालों ने हार नहीं मानी, उन्होंने पर्ची भी निकाली और इन्हें ससुराल भी पहुंचाया। पर रिश्वत लेने वाला हर इंसान ऐसी हरकत नहीं करता। कुछ लोग इस बैंक एम्प्लॉय की तरह शरीफ भी होते हैं जो खुद ही पकड़े जाने पर ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब रिश्वत खोर हो तो ऐसा, पुल खुल जाने का पता चलते ही सिट्टी पिट्टी गुल। नंबर 6, मैडम हवा हवाई। क्या सुबह अंधेरे में उठकर 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचकर पूरा दिन एयरपोर्ट के एक डेस्क से दूसरे डेस्क का चक्कर मारा है? नहीं, फिर आप इन मैडम की वीडियो लेने वाले इंसान का दर्द क्या ही समझोगे, क्योंकि ये उस बेचारे की आप बीती है। और जब ये बेचारा इंसान अपनी इस दुख भरे दिन से थक हार कर एयर इंडिया की इन मैडम से काम ना हो पाने पर मैडम जी से ये बोल पड़ा, 5 बजे का जगा हुआ हूँ, मैं वहाँ से यहाँ तक काउंटर पे घूम रहा हूँ केवल, कि अपने मैनेजर को बुला दो, तो ये चढ़ गई और खुद उस बेचारे इंसान को ही सुनाने लग पड़ी। और हद तो ये थी कि उस पैसेंजर के साथ लाइन में खड़े सभी पैसेंजर्स यही कह रहे थे कि गलती उनकी नहीं एयरपोर्ट वालों की है, पर मैडम अपनी ही धुन में काम करती रही। मैडम जी, पैसेंजर से पंगे नहीं लेते, इन्होंने आना बंद कर दिया तो एयरपोर्ट बंद पड़ जाएगा। नंबर 7, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एल लग गए का जीता जागता एग्जाम्पल कोई है तो वो बस ये इंसान है। क्योंकि भरे ऑफिस में इंस्पेक्शन राउंड लेने आए डिप्टी सीएम को देखकर बाकी सारे एम्प्लॉयज तो काम में बिजी हो गए, पर इस बेचारे को ना तो किसी ने बताया और ना ही ये खुद कंप्यूटर पर चल रही मूवी से बाहर आया। और बस सीएम साहब ने खुद इन महाशय को उठाया और इनकी क्लास लगा दी। लेकिन वो सिर्फ यही नहीं रुके, डिप्टी सीएम ने बाकी सभी को भी ऐसे काम अपने घर जाकर करने का सबक सिखाया और उसके बाद ही वो उस ऑफिस से बाहर निकले। लेकिन ऑफिस में बैठकर पिक्चर देखना एक बात है और सरकारी ऑफिस में बैठकर पीना पिलाना दूसरी। पर ये बात इन महाशय ने एक्सपीरियंस के साथ सीखी, क्योंकि इंस्पेक्शन पर आए ऑफिसर ने न सिर्फ इन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया पर इनसे इनकी पोस्टिंग भी छीन ली। हाय बेट, अब ये सरकारी ऑफिस क्या घर में बैठकर पीते हुए भी इस हादसे को याद कर करके रोते होंगे। नंबर 8, करेंगे ऑफिस पार्टी। मेरा चैन वैन सब अपने डांस का जलवा दिखाती हुई इन मैडम की ही नहीं, इनके साथ साथ पूरे ऑफिस स्टाफ की जिंदगी तब बर्बाद हुई जब ऑफिस आवर्स में चल रही इस पार्टी की वीडियो वायरल हो गई और खुद मध्य प्रदेश देवास के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये कह डाला। ऐसे तथ्य मिलते हैं कि वो लोग वहाँ पे सच में ऐसा कर रहे थे तो उनके खिलाफ हम लोग कड़ी। पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि डांस के ये दीवाने अब जेल जाते जाते कौन से गाने पर डांस करेंगे। नंबर 9, सेलमैन बॉय। गवर्नमेंट ऑफिसर सेलमैन बॉय से कम है के? बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो 15,000 घूस की कमिटमेंट कर दी तो कर दी। पर अगर आप ये सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो कि ये सेलमैन बॉय के फैन असल में कौन है, तो भैया ये सब रजिस्ट्रार है। इनका असली नाम मानवेंद्र शास्त्री है और इनकी पूरी कहानी ऐसी है कि पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने आए एक आदमी ने इन्हें 15,000 की घूस देने की बात की थी, पर मौके पर वो सिर्फ 10,000 ही लाया। अब ऐसे में तो किसी को भी गुस्सा आ ही जाएगा, है ना। तो बस इन्हें भी आ गया, इसीलिए इन्होंने 10,000 भी लेने से मना कर दिया। पर जैसे ही रिकॉर्डिंग कर रहे इंसान ने पूरे 15,000 देने की बात की तो इन्होंने झट से पैसे अपनी जेब में डाल लिए। अफसोस, वीडियो बनाने वाले ने इन्हें पैसे ही नहीं दिए, पर इनका घूसखोरी वाला ये वीडियो जरूर वायरल कर दिया। लेकिन अब ये भाई साहब भी कोई ऐरे गैरे इंसान नहीं, सीरियल क्रिमिनल है, क्योंकि इससे पहले भी इनका नाम कई बार घूसखोरी से घोटालों तक के केस में शामिल रहा है। पर इन पर जांच बैठते ही ये कोर्ट से इस्ते लेकर वापस अपने काम पर लग जाते हैं। इसीलिए मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि भगवान बचाए ऐसे ऑफिसर से जो न सिर्फ अपने परिवार, अपने पद और अपने देश की इज्जत को भी धूल में मिला रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा
होगा जब आम इंसान का इनसे पूरी तरह भरोसा उठ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकारी कर्मचारियों की इन लापरवाहियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए या इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए? आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।